गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देव, स्वागत करता हूं क्लास ऑफ क्लास का और एक न्यू एपिसोड में। तो गाइस मैं इस वाले वीडियो में आज बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सा है फार्मिंग के लिए एंड बेस्ट लीक कौन सा है एंड कैसे वो स्ट्रेटेजी को आप यूज करोगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अटक के साथ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिए एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड गाइस साइड का बेल आइकन भी दबा देना एंड वीडियो को तो जरूर लाइक करना। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। फार्मिंग के लिए अभी लीग के बात कर लूँ तो यार बेस्ट लीग अभी है चैंपियन लीग में, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब से टाउनल 13 का अपडेट आ चुका है जितने भी एक्टिव प्लेयर थे वो सारे के सारे क्रिस्टल एंड गोल्ड सिल्वर में जाकर हैं, जिसके वजह से वहाँ सारे के सारे एक्टिव बेस मिल रहा है एंड लूट भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। एंड आप 100% लूट को ही कलेक्ट करना चाहते हो तो आपको गोल्ड लीग में या आपको क्रिस्टल में 100% 3-स्टार बेस के ऊपर करना पड़ता है एंड आप गोब्लिन लेकर 3-स्टार नहीं कर पाते हो, आपको ज़्यादा कॉस्ट वाला स्ट्रेटेजी लेना पड़ता है एंड आप जितना कॉस्ट देते हो आपको उतना ज़्यादा लूट नहीं मिलता है, इसलिए कि आप और भी एक बात लो लीग में जो लूट बोनस होता है बहुत कम होता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा आप चैंपियन में आ जाओ। चैंपियन में एक एक बेस में 4-5 लाख का लूट मिल जाता है एक एक बेस के अंदर विथ आपको अटैक का जो बोनस लूट बोनस जो मैं इसको बोलते हैं डेक्स लाइक। तो मैं अभी चैंपियन 1 में हूँ तो मुझे 2,50,000 मिल रहा है एंड आपको स्ट्रेटेजी बता दूँ तो ये 0 डार्क वाला इलीजर वाला स्ट्रेटेजी देख सकते हो। मैं एक इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज किया हुआ हूँ फनल के लिए एंड 3 पैक का 4 हीलर एंड 13 विजार्ड एंड 12 जियार्ड एंड 7 हमारा आर्चर एंड हम स्पेल में देख सकते हो ऐसे स्पेल मैंने यूज किया हूँ 2 रेज एंड 2 हीलिंग 1 जंप एंड 1 फ्री स्पेल। तो ये मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, यहाँ से 0 डार्क इलीजर यूज है देख सकते हो। क्विक ट्रेड में 3,93,000 इलीजर है लेकिन आपका इलीजर भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है तो ये बेस्ट है। तो चलो मैं फटाफट इस स्ट्रेटेजी का अटैक आपको दिखा देता हूँ जो कि तो फ्रेंड्स पहला बेस देख सकते हो टाउनल 12 का फुल मैक्स आउट है एंड एक्टिव बेस है एंड मैं इसीलिए ये अटैक किया कि यार डार्क लीजर देख सकते हो बहुत काफ़ी है एंड आप जो भी साइड में अटैक करोगे तो आपको पहले एक साइड में क्वीन वार को छोड़ देना है एंड एक साइड में आपको आपका जो इलेक्ट्रो ड्रैगन लिया है उसको छोड़ देना है। फोनल होने के बाद आपको जितने भी वॉल ब्रेकर के साथ जियांट एंड विजार्ड छोड़ देना है। यार आप वॉल ब्रेकर भी ज़्यादा यूज करिए क्योंकि वो ज़्यादा बेहतरीन आपको बेनिफिट देने वाला है एंड आपका पिक्का उसके बाद छोड़ना है। देख सकते हो सारे के सारे जो भी आपका जो ट्रूप्स है ना वो कोर के अंदर जाना चाहिए एंड मेरे पास लेवल 10 का रॉयल चैंपियन है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है मुझे देख सकते हो। वो एक एक डिफेंस को टैकल कर रहा है एंड बहुत अच्छा काम भी कर रहा है एंड उसका एबिलिटी अभी जस्ट पॉपअप हो गया ऑटोमेटिकली एंड वो भी ज़्यादा अच्छा डैमेज दिया है एंड जैसे टाउनल आपका डेड हो जाएगा आपको वार्डन का एबिलिटी को यूज करना है आपका स्ट्रेटेजी को बचाने के लिए एंड देख सकते हो देखते देखते ये बेस्ट फुल्ली कंप्लीट होने वाला है एंड कैसा 3-स्टार वैल्यू आपको दे रहा है ये स्ट्रेटेजी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है ये एंड देख सकते हो मेरा क्वीन वॉल अभी भी चल रहा है, अभी भी क्वीन जिंदा है एंड हीलर भी जिंदा है एंड ये बेस्ट इजीली 3-स्टार होने वाला है। तो सारे के सारे लूट भी हमारे पास आ चुका है एंड कुछ बचा ही नहीं बेस में एंड यार 3-स्टार नहीं आपको 70% निकाल दोगे फिर भी आपको 100% लूट बोनस मिल जाता है एंड फाइनली देख सकते हो ये सेकंड वाला बेस भी डेड है, मुझे थोड़ा डेड मिला था लेकिन ये पूरा का पूरा डेड नहीं है कुछ अरे यार डेड बेस नहीं है कुछ बिल्डिंग अपग्रेड में लगा है उसको देख के मुझे डेड लगा लेकिन यार देख सकते हो अभी चैंपियन लीग में भी बहुत अच्छा लूट वाला बेस मिल रहा है क्योंकि जितने भी प्लेयर थे एक्टिव वो लूट मिलने का चक्कर में नीचे जा चुके हैं जिसके वजह से ऊपर लूट बहुत अभी बचा है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको भी स्पीड फार्मिंग चाहिए तो यार चैंपियन में आ जाओ जल्द से जल्द, बहुत अच्छा लूट मिल रहा है अभी ऊपर लूट तो लूट यार लूट के ऊपर से अटैक बोनस जो मिलता है वो भी ज़्यादा अच्छा है एंड देख सकते हो ये काफ़ी भी फुल मैक्स आउट टाउनल 12 का बैच है, हम इसको भी 3-स्टार निकालेंगे इस वाले स्ट्रेटेजी से। We'll be right back.
तो टाउनल तो यार काम चल रहा है, अपग्रेड हो रहा है टाउनल, इसलिए जब टाउनल डिस्ट्रॉयड हुआ हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंड देख सकते देखते देखते यार बेस्ट भी 3 स्टार हो गया है, देख सकते हो। एंड यार काफी अच्छा वैल्यू दे रहा है ये वाला स्ट्रेटेजी, आप जरूर अप्लाई करिए। एंड देख सकते हो ये भी बेस्ट 3 स्टार के साथ हमने कंप्लीट कर दिया है, एंड सारे के सारे लूट भी ले लिया है। एंड यार और एक बात ये भी देख सकते हो, बेस्ट इसमें भी यार डेड बेस्ट मिला है मुझे चैंपियन 2 में। यार चैंपियन 2 में भी डेड बेस्ट मिल जाता है, ज्यादा नहीं मिलता है, कभी कभी मिल जाता है, लेकिन जो भी बेस्ट मिलता है आपको अटैक बोनस के साथ 6 से 8 7 लाख लूट इलिजर मिल जाता है, गोल्ड मिल जाता है। एंड 7 to 8 thousand आपको डार्क इलिजर भी मिल जाता है आसान से। तो वन साइड में क्वीन भी अच्छा काम कर रहा है, एंड देख सकते हो रॉयल चैंपियन भी एंड पेक्का भी आ चुका है। एंड यार टाउनल का गिगा टेस्ला भी एक्टिव हो चुका है, मैंने एक जंप डेट दिया बट टाउनल को यार पास नहीं आ रहे, मेरा क्वीन फाइनली आ गए। एंड बहुत बड़ा लॉन्ग जंप मारते हुए टाउनल को डेड कर दिया। एंड देख सकते हो जब बम फटा तब तक ये मेरा ट्रूप्स वापस वहाँ से आ चुके थे। एंड यार फाइनली ये भी बेस्ट 3 स्टार होने वाला है, देख सकते हो रॉयल चैंपियन जो कि बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है, एक एक डिफेंस को यार यू ही निकल दे रहा है। एंड क्वीन भी यार अच्छा काम कर रहा है, देख सकते हो। एंड यार सक्सेस क्वीन वर्क के साथ ये भी अटैक हमारा 3 स्टार होने वाला है। अभी अभी मेरा वार्डन चाचा का जो एबिलिटी खत्म हुआ, एंड ये बेस्ट 3 स्टार पूरा के पूरा लूट हमारे पास भी बेस्ट देख सकते हो, काफी लूट से भरपूर है। एंड ये ज्यादा एक्टिव बेस्ट तो पूरा तो एक्टिव बेस्ट है, लेकिन डिफेंस इसका थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी यार ये बेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड यूनिक लग रहा है, वार बेस्ट जैसा लग रहा है। तो कोई नहीं, हम इसका जो सारे का सारा लूट कलेक्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे 3 स्टार लेने के लिए। तो यार देख सकते हो उसका भी इनमी का भी एक रॉयल चैंपियन था बट वो भी डेड हो चुका है, लेकिन यार ये जो ईगल है ना वो बहुत प्रॉब्लम देने वाला है मुझे लगता है। एंड कोर के अंदर तो मेरा ट्रूप्स आ चुका, लगभग मरने वाले हैं, लेकिन उसका एबिलिटी है तो कोई बात नहीं। एंड अभी तक इलेक्ट्रो ड्रैगन हमारा जिंदा है, अभी अभी डेड हो गया वो भी। एंड हमारा चाचा का भी एबिलिटी है, लेकिन यार टाउनल का गीगा इन्फर्नो बहुत डैमेज दे रहा है, देख सकते हो। एंड रॉयल चैंपियन ने क्या अच्छा काम कर लिया है ईगल को लेकर। एंड यार फाइनली देख सकते हो, मुझे नहीं लगता ये बेस्ट 3 स्टार हो पाएगा, क्योंकि वैसे मेरे पास कुछ ज़्यादा बचा है नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 70-80% हम निकल चुके हैं तो हमको बोनस तो मिल जाएगा। एंड लूट भी यार काफ़ी हम ला चुके हैं बेस्ट से अंदर, टाउनल डेड नहीं हो पाएगा। ओके कोई नहीं, जितना भी हमने बेस के अंदर लूट कलेक्ट किया है वो काफ़ी हमारे लिए, ऊपर से हमको लूट बोनस भी मिलने वाला है 2,25,000 से ऊपर मिलने वाला है। तो यार ज़्यादा कुछ हमारा खराब नहीं था, एंड यार बेस्ट लेकिन बहुत पावरफुल बेस्ट था। एंड देखते देखते यार सारे के सारे ट्रूस भी मर चुके हैं, एंड मैं एंड बैटल कर देता हूँ, देख सकते हो काफ़ी लूट हमें कलेक्ट कर। तो गैस आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो गैस प्लीज़ यार लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक हंसते हुए खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस।